डियर स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज क्लास 12th के लिए सब्जेक्ट केमिस्ट्री को पढ़ना। जैसा कि आप जानते हैं, हम 12th क्लास की केमिस्ट्री में एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी कि कार्बनिक रसायन के एक नए चैप्टर को शुरू किए हैं, वो चैप्टर नंबर 6, जिसका नाम है जैव अणु। इस चैप्टर को हम लोग पिछली क्लास में स्टार्ट किए हैं, न्यू चैप्टर है। और हम लोग जैव अणु के बारे में भी पढ़े थे कि जैव अणु क्या है, ठीक है। और जैव अणु में हम लोग ये भी देखे थे कि किसी भी जीव को जीने के लिए कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, विटामिन्स, अमीनो अम्ल, ये सब की सारी की ज़रूरत होती है, वो सब कहलाते हैं हम लोगों को जैव अणु। और जैव अणु में हम लोग केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं, तो हम लोग सिर्फ कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़ रहे थे। तो कार्बोहाइड्रेट हम लोगों का टॉपिक्स था। वो पिछले दिन वाला जो कार्बोहाइड्रेट टॉपिक था, वो पूरा पूरा क्लियर नहीं हुआ था, इसलिए हम उसी कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में पढ़ेंगे। आप तो पहले से टॉपिक्स बनाए होंगे, फिर से दोबारा नहीं बनाना आपको। तो कार्बोहाइड्रेट्स में हम लोगों ने सीखा था कि पौधों में जो कार्बोहाइड्रेट बनता है, वो प्रकाश संश्लेषण के फलस्वरूप बनता है। यानी कि पौधों में जो कार्बोहाइड्रेट बनता है, वो कैसे बनता है? तो चूँकि पौधे में भोजन जो क्रिया होती है, भोजन बनाने की क्रिया जो होती है, वो प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से होती है, उसी के दौरान उनमें कार्बोहाइड्रेट बनता है, ठीक है। चलिए उसके बाद बात कर लेते हैं कि कोई भी जीवधारी है, अगर कार्बोहाइड्रेट को अपघटित करता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर और ऊर्जा का निर्माण करता है। यानी कि कोई भी जीवधारी चाहे हम लोग हैं, चाहे तो कोई और है, वो उसको अगर कार्बोहाइड्रेट अपघटित करेगा, जैसे मान लिया कि हम चावल, रोटी, दाल खाते हैं, उससे तो हम लोगों को एक्चुअली कार्बोहाइड्रेट मिलता है। और उस वो जो कार्बोहाइड्रेट होता है, वो ग्लूकोज के फॉर्म में होता है। याद रखिएगा, जो चीज़ हम खाते हैं, जिससे हम लोगों को कार्बोहाइड्रेट मिलता है, आपको हम ये भी बताएं कि सबसे ज़्यादा जो कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, वो पौधों में पाया जाता है। इसलिए गेहूँ, चावल, मक्का, ये सब में स्टार्च के रूप में पाया जाता है कार्बोहाइड्रेट। तो एक्चुअली ग्लूकोज भी एक तरीके का कार्बोहाइड्रेट है, और इसका जो अपघटित होता है, यानी कि ये जो अभिक्रिया करता है, तो हम लोगों को कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एंड ऊर्जा देता है। याद रखिएगा, तो कोई भी जीवधारी के लिए ये अभिक्रिया उसके अंदर होना जरूरी है, इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड उसको एनर्जी मिलता है। सबसे बड़ा वैल्यू तो एनर्जी मिलता है। कोई भी चीज़ें हम खाते पीते हैं, क्यों? क्योंकि उससे हम लोगों को यही ऊर्जा प्राप्त होती है। तो हम लोग नेक्स्ट एरो देंगे, कार्बोहाइड्रेट के जो एरो दिए थे कि प्रकाश संश्लेषण के फलस्वरूप बनता है, उसके बाद फिर से नेक्स्ट एरो देंगे, लिखेंगे जीवधारियों में कार्बोहाइड्रेट अपघटित होकर कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल और ऊर्जा का निर्माण करते हैं उसके नीचे ये अभिक्रिया नोट डाउन कर लेंगे, तो पता चलेगा कि आखिर कैसे कार्बन डाइऑक्साइड और जल और ऊर्जा बनाते हैं या निर्माण करते हैं, ठीक है। चलिए फिर से नेक्स्ट एरो देंगे, लिखेंगे मीठे स्वाद के कारण कार्बोहाइड्रेट को सैकराइड भी कहते हैं। याद रखिएगा, चूँकि कार्बोहाइड्रेट का स्वाद कैसा होता है? मीठा होता है, इसलिए मीठा के कारण कार्बोहाइड्रेट का दूसरा नाम, याद रखिएगा, सैकराइड होता है। क्या होता है? सैकराइड, ठीक है। तो बिल्कुल याद रखिएगा कि कार्बोहाइड्रेट को सैकराइड क्यों कहा जाता है, तो मीठे स्वाद के कारण इसको सैकराइड भी कहा जाता है। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि कार्बोहाइड्रेट के प्रकार कितने हैं।
आखिर कार्बोहाइड्रेट के कौन कौन से प्रकार हैं? तो नेक्स्ट टॉपिक लिया जाए कार्बोहाइड्रेट के प्रकार। कार्बोहाइड्रेट के प्रकार, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट के प्रकार, ये हम लोगों का टॉपिक्स है। इस टॉपिक्स के बारे में बात कर लेते हैं कि कार्बोहाइड्रेट के कितने प्रकार हैं, इसके कौन कौन से प्रकार हैं। तो उसके नीचे एरो देंगे, लिखा जाए कार्बोहाइड्रेट के मुख्यतः तीन प्रकार हैं। कार्बोहाइड्रेट के मुख्यतः तीन प्रकार हैं। पहला मोनोसैकराइड, दूसरा ओलिगोसैकराइड, और तीसरा का नाम है पॉलीसैकराइड। तो याद रखिएगा, कार्बोहाइड्रेट को हम लोग सैकराइड भी कहते हैं, सैकराइड। और ये सैकराइड कितने टाइप्स के होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं? तो मुख्य रूप से तीन प्रकार के होते हैं। पहला का नाम है मोनोसैकराइड, दूसरा ओलिगोसैकराइड और पॉलीसैकराइड, ठीक है। तो याद रख लीजिएगा कि कार्बोहाइड्रेट के तीन टाइप्स होते हैं, मोनोसैकराइड, ओलिगोसैकराइड और पॉलीसैकराइड। अब चलिए हम लोग अलग अलग बात कर लेते हैं कि मोनोसैकराइड कब बोलेंगे, ओलिगोसैकराइड कब बोलेंगे, पॉलीसैकराइड कब बोलेंगे। तो अब टॉपिक बनाया जाए मोनोसैकराइड। इसके नीचे फर्स्ट एरो देंगे, लिखेंगे मोनोसैकराइड, सी और उसके नीचे टू लिखेंगे, सी टू से सी सेवन कार्बन परमाणु, C2 से C7, यहाँ पे सेवन लिख देंगे, कार्बन परमाणु तक वाले कार्बोहाइड्रेट, कार्बन परमाणु तक वाले कार्बोहाइड्रेट को, कार्बोहाइड्रेट को मोनोसैकराइड कहा जाता है, मोनोसैकराइड कहा जाता है। ध्यान रखना भाई कि मोनोसैकराइड कब कहेंगे। तो मोनोसैकराइड के लिए रूल्स है कि अगर कार्बन 2 से लेकर कार्बन 7 तक के अगर परमाणु रहेगा, ठीक है, तब उसको हम लोग कहेंगे मोनोसैकराइड, ठीक है। यानी कि कुल मिलाकर हम लोग यहाँ पे ये देखना चाह रहे हैं कि मोनोसैकराइड कब कहेंगे, तो कार्बन 2 से रहेगा 7 तक। चलिए नेक्स्ट एरो में लिख लेंगे इसी बात को, यदि C2 रहेगा तो कार्बन अगर 2 रहता है तो इसको नाम दे देते हैं डाई, और डाई में हमेशा ओस जोड़ते हैं, क्या जोड़ते हैं लास्ट में, ओस, सैकराइड के लिए ओस जोड़ते हैं, तब हम लोगों को इसको बोलेंगे डाइओस, इसको क्या बोलेंगे, डाइओस। अगर मान लिया कि कार्बन 3 रहेगा, तब कार्बन 3 रहता है तो इसको कहते हैं ट्राई, और ट्राई में ओस जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा ट्राइओस, ट्राई ओस। अगर C4 रहेगा तब, C4 रहेगा तो टेट्रा कहते हैं, कार्बन 4 वाले को टेट्रा कहते हैं, इसमें ओस जोड़ेंगे तो इसको बोलते हैं टेट्रॉस। अगर C5 रहेगा तब इसको बोलते हैं पेंट, कार्बन 5 को बोलते हैं पेंट, और इसमें अगर ओस जोड़ेंगे तो इसको बोल देंगे पेंटोस, क्या बोलते हैं इसको, पेंटोस। फिर C6 रहेगा तो इसको बोलते हैं हेक्स, ठीक है, और हेक्स में अगर ओस को जोड़ेंगे तो हेक्सोस हो जाएगा, क्या होगा, हेक्सोस, ठीक है। और फिर आता है नंबर C7 का,
साथ रहेगा तो उसको हम लोग बोलते हैं हेप्ट, ठीक है। और हेप्ट में ओस जोड़ेंगे तो क्या होगा, हेप्टोस, इसका नाम होगा हेप्टोस, ठीक है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर देखा जाए तो कार्बन दो से लेकर सात तक के हम लोग क्या बोलते हैं इसको, मोनोसेकराइड, क्या बोलते हैं इसको, मोनोसेकराइड, यानी कि मोनोसेकराइड कहा जाता है कार्बन टू से लेकर कार्बन सात तक के परमाणु अगर रहेगा तब हम इसको बोलते हैं मोनोसेकराइड, मोनोसेकराइड, यानी कि कार्बन दो से सात तक के याद रखिएगा कि मोनोसेकराइड कहते हैं। और इस मोनोसेकराइड वाले में सबका नाम क्या क्या है, तो कार्बन टू अगर रहेगा तब इसका नाम याद रखिएगा डायोस होता है, ठीक है, इसका नाम डायोस। अगर मान लिया कि कार्बन तीन रहेगा तब इसका नाम याद रखना है ट्रायोस, ठीक है, और टेट्रोस, पेंटोस, हेक्सोस, हेप्टोस, इसी तरीके से, ठीक है। तो ये रहा हम लोगों का मोनोसेकराइड, इन इन सारी जो चीज़ें लिखी हुई हैं इनको भी आप नोट कर लेंगे। चलिए फिर से हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट, जिसका नाम है ओलिगोसेकराइड, ठीक है। ओलिगोसेकराइड अब क्या होता है इसके बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। तो टॉपिक्स देंगे ओलिगो सैकराइड, ओलिगोसेकराइड। अब ओलिगोसेकराइड किसको कहेंगे, ओलिगोसेकराइड क्या है, ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग लिखेंगे फर्स्ट एरो देकर। वैसे यौगिक जो जल के साथ अभिक्रिया करके, वैसे यौगिक जो जल के साथ अभिक्रिया करके दो या दो से अधिक सरल शर्करा अणु देते हैं, सरल शर्करा अणु देते हों उसे ओलिगोसेकेराइड कहते हैं, उसे ओलिगोसेकेराइड कहते हैं। चलिए तो ध्यान दीजिएगा, ओलिगोसेकेराइड कब होता है, तो ओलिगोसेकेराइड उसको कहते हैं जो जल के साथ अभिक्रिया करता है तो दो या दो से अधिक शर्करा देता है। शर्करा का मतलब मीठा यौगिक, अगर दो या दो से शर्करा यानी कि मीठा यौगिक देता है तब उसको हम लोग कहते हैं ओलिगोसेकेराइड, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल में आप देख लीजिए, एग्जाम्पल में हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं। एग्जाम्पल जैसे मान लिया कि कोई शुगर है, चीनी है, चीनी का फॉर्मूला होता है C12H22O11, ठीक है, ये रहा हम लोगों को चीनी C12H22O11। जैसे ही जल के साथ रिएक्शन किया, ये है हम लोगों को चीनी, और जैसे ही जल के साथ रिएक्शन किया तो दो गो प्रतिफल बनाया, एगो का नाम है C6H12O6 और दूसरा भी यही बनाया C6H12O6, लेकिन दोस्तों एक को बोलते हैं ग्लूकोज और एक को बोलते हैं फ्रक्टोज, याद रखिएगा दोनों का फार्मूला सेम है लेकिन नाम अलग अलग, यानी कि दो यौगिक बनाता है यही वाला, इसीलिए इसको कहेंगे ओलिगोसेकेराइड। याद रखिएगा ओलिगोसेकेराइड क्या होता है, तो कोई भी यौगिक या वैसा यौगिक, उस यौगिक का नाम रखना है याद चीनी, ठीक है, इसको क्या याद रखना है नाम कि चीनी, जब अगर जल के साथ अभिक्रिया करता है तो दो गो शर्करा प्राप्त करता है, दोनों ही स्वाद में मीठे होते हैं, ठीक है, लेकिन एक को नाम रखा गया ग्लूकोज और दूसरे का फ्रक्टोज, ठीक है, दोनों का सेम फार्मूला होता है। तो याद रखिएगा वैसा यौगिक जो जल के साथ अभिक्रिया करता है तो दो गो शर्करा अणु या शर्करा यौगिक देता है, इसी को हम लोग ओलिगोसेकेराइड कहते हैं। इस एग्जाम्पल को भी आप नोट कर लीजिएगा। तो याद रखिएगा मोनो कब होता है, जब कार्बन दो से सात तक के होता है,
ऑलिगो कब होता है? जब कोई भी यौगिक या वैसा यौगिक जल के साथ अभिक्रिया करके दुगो शर्करा अणु देता है। तो ये वाला आप एग्जाम्पल में ऑलिगो का लिख लीजिएगा। और नेक्स्ट एंड लास्ट इस एक प्रकार है जिसको बोलते हैं पॉलीसेकेराइड। तो पॉलीसेकेराइड के बारे में हम दोस्तों अगले दिन चर्चा करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।